आनंद का उत्सव है, उमंग का उत्सव है, उत्साह का उत्सव है, वहीं दूसरी तरफ होली भक्ति का भी पर्व है, प्रकृति का भी पर्व है, समरसता का भी पर्व है, रंग का भी पर्व है। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आजमगढ़ नगर द्वारा मिशन कंपाउंड हरबंसपुर में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हरिहरपुर घराने द्वारा गणेश वंदना के साथ साथ होली के कई गीत भजन प्रस्तुत किए गए। पूर्वांचल के परंपरागत धोबी नृत्य के साथ कार्यक्रम का समापन मिष्ठान वितरण के साथ हुआ। इससे पूर्व गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी द्वारा अपने हिंदू संस्कृति के विभिन्न तीज त्योहारों के साथ साथ सदियों से चली आ रही परंपरागत होली के महत्व पर विस्तृत चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा, जैसे प्रकृति समय समय पर अपना विभिन्न रूप रंग लेकर संगीत अपने विभिन्न वाद्य यंत्रों को अनुशासित करते हुए एक सुरीला संगीत देने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे त्यौहार एक अनुशासन के रूप में समाज और संस्कृति को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। होली को आप सभ्यता अनुशासन परस्पर समरसता ऊंच नीच के भेद को मिटाते हुए आपस में सभी बंधु भाई ऐसी विचारधारा के साथ हम सबको होली का त्यौहार मनाना चाहिए। नशा करके या अन्य पर कीचड़ फेंक कर होली मनाने का घोर विरोध किया और आह्वान किया कि हम सब भारत की संस्कृति सभ्यता को विश्व के शिखर तक ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहजिला संचालक गौरव, नगर संचालक रामबदन, सहनगर संचालक अजय, नगर कारवा डॉक्टर परिजात राजन, विभाग प्रचारक सत्येंद्र, सेवा प्रमुख रविशंकर पवन सिंह, अवैधगण डॉक्टर अशोक सिंह, कमलेश, अनुराग, नरेंद्र, आलोक, छतविजय, विहिप से गौरव, अरविंद अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अरविंद मदनवाल, भाजपा से ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू आदि भारी संख्या में स्वयंसेवकगण उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्यमगढ़ के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके प्रिय आदरणीय प्रांत प्रचारक आदरणीय सुभाष जी भाई साहब थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि होली समरसता, एकता और पवित्रता का त्यौहार है। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि सारे लोग होली को फूलों की होली से खेलें, केमिकल रंगों का प्रयोग न करें।